था कि कैसे क्या करना है, मतलब कितने का क्या पड़ता है, पेट्रोल कितने का आता है, माइलेज कितना होता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, तो सब हम बताएंगे एक दिन। नहीं, मैं नहीं मानता। तो गाइस ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। मगर क्यों? ये देखो अपनी मुंडी घुसा रहा है बीच में, कह रहा है मसाज कर मेरे को। देखो देखो पढ़ने नहीं दे। सो हे गाइस वेलकम टू अवर चैनल। अभी बज चुके हैं करीबन दोपहर के 2:30 और हम लोग आ गए थे स्कूल से, तो अभी मैंने कर लिया लंच और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लाने के लिए। और किस चीज़ के लिए लाने जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, तो पहले दिखा देता हूँ खाने में क्या क्या था। खाने में था साग और ये चावल और घिया की सब्ज़ी। आज मम्मी ने खानी है क्योंकि आज मम्मी का नहाए खाए, तो बस आज मम्मी चावल और वो घिया खा सकती है। और अभी हम लोग चलते हैं, चलिए छठ पूजा का सामान लाने के लिए। नहाए खाए मैंने बोला है तो आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ का सामान लाने जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा का सामान लेने के लिए, तो अभी चलते हैं चलिए। और जल्दी ही छठ पूजा आ गया है, यानी कि परसों ही छठ पूजा है, तो अभी चलते हैं चलिए। तो ये गाइस अब निकल चुके हैं हम लोग, कार में बैठ के जा रहे हैं अभी, तो अभी चलते हैं चलिए। गाइज अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर भीड़ देखो, हम दुकान के ऊपर चढ़ गए। सो ये गाइज अभी हमने सामान ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट के अंदर, इतनी ज़्यादा कि फ़ोन निकालने का इतना नहीं था कि चोरी हो जाता फ़ोन, नहीं तो पूरा धक्कम धक्का हो रहा था पूरा, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो अभी ले लिया हमने सामान वगैरह, तो अभी चलते हैं घर। सोए गए थे, बज चुके हैं करीबन 5:00, तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि स्कूटी के पेट्रोल खत्म हो चुकी है, वो भी रिजर्व पे चल रहा है, तो अभी चलते हैं भरवा ही लेते हैं अब टाइम है, तो चलते हैं चलिए। और शाम हो गई, बहुत जल्दी हो रही है अब शाम, ठंडियाँ आ गई है। गुफा में जाते हुए तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, भराते हैं यहाँ से पेट्रोल। तो गाइस पेट्रोल भरा लिया स्कूटी के अंदर, तो अभी आ रहे हैं हम घर। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हमने स्कूटी में पेट्रोल तो भरा लिया है और स्कूटी का भी रिव्यू जल्दी लाएंगे और उसमें बताएंगे कितने का ये माइलेज देते हैं, कितने में टैंक हो जाता है। कई लोग जो नए लेने वाले होते हैं जैसे हमने, तो हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, मतलब कितने का क्या पड़ता है, पेट्रोल कितने का आता है, माइलेज कितना होता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, तो सब हम बताएंगे एक दिन। नहीं मानता। तो गाइस ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। मगर क्यों? ये देखो अपनी मुंडी घुसा रहा है बीच में, कह रहा है मसाज कर मेरे को। देखो देखो पढ़ने नहीं दे। सो हे गाइस मैं वीडियो एंड करना भूल गया था, तो अभी एडिटिंग के टाइम मेरे को याद आया कि वीडियो भी एंड करनी है। तो हम पेट्रोल भराने के आने के बाद आ गए थे, तो मेरे सिर में बड़ी तेज हेडेक हो रहा था यहाँ पे, और बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज। तो वो मतलब ना शाम से ही हो रहा था, सुबह से दोपहर से जब से गए थे तब से हो रहा था। हेडेक के कारण मेरे मतलब व्लॉग थोड़ा कम बनाया, नहीं तो थोड़ा और ज़्यादा बना सकता था, बट क्या करूँ, मेरा बहुत तेज सिर में दर्द होने लग गया था एकदम से। और मैंने जैसा कि व्लॉग में बताया है कि हम लोग ज़रूर अपनी स्कूटी का रिव्यू करेंगे, तो देखता हूँ मैं कुछ दिन में करूँ कैसे करेंगे हम, तो ज़रूर आएगा वो वीडियो। तो बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आज, पता नहीं क्या हो गया. तो बाय बाय गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना याद से और लाइक भी कर दो वीडियो को और बेल आइकन जरूर दबा लेना. बाय बाय बाय. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का.